किचन एंड क्रिएटिवर देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम आपको हमारी एक नई रेसिपी बताएंगे, वो रेसिपी जो हम बना रहे हैं बच्चों के लिए और जिसका नाम है होममेड बेबी फूड। बेबी फूड बनाने के लिए हमने लिया है गेहूं का आटा 5 टेबलस्पून, रवा 4 टेबलस्पून, रागी का आटा 4 टेबलस्पून, राइस 4 टेबलस्पून। चावल और आटे के अलावा हमने यहाँ पे दाल ली हुई है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। हमने यहाँ पे लिया हुआ है मूंग दाल 2 टेबलस्पून, उटाने 2 टेबलस्पून, यहाँ पे आप चना दाल भी यूज़ कर सकते हैं, उड़द दाल 2 टेबलस्पून और राहर दाल 2 टेबलस्पून। बेबी फूड के लिए हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लेंगे, जिसमें हम लेंगे काजू, बादाम, छुआरे और फलीदाना। आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी आप अपने अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। हमने बेबी फूड बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें रागी का आटा छोड़कर बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें हल्का सा भून लेना है। हमने पैन रख दिया है गर्म करने के लिए, अब हम भूनना शुरू करेंगे। हमने सबसे पहले लिया है राइस, इसको भून लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को भूनना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इसे स्टोर करके रखते हैं, अगर आप इसे नहीं भूनेंगे तो उनमें ख़राब होने की गुंजाइश रहती है। इसे अगर आप अच्छे से भून लेते हैं तो आपको जब बनाएंगे आप इसे तब भी आपको ज़्यादा इसको भूनना नहीं पड़ेगा और ये लंबे समय तक आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं गेहूं का आटा। इसके बाद हम रवा भून लेंगे। हम दाल भूनना शुरू करेंगे। हमने डाल दी है मूंग दाल, इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। को भी भून रहे हैं। हमने ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है ताकि इन्हें हमें भूनने में भी आसानी हो और पीसने में भी। यहाँ हमने छुआरे या आप इसे खजूर भी कह सकते हैं, इसके हमने बीजे निकाल दिए हैं और अब हम इसे भी ड्राई रोस्ट करके पीसने के लिए रेडी कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, अब हम इन्हें पीस लेंगे। इस तरीके से इंग्रेडिएंट्स को पीस कर हमने पाउडर कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रवा, गेहूं का आटा और रागी पाउडर। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को रेडी करके पाउडर करके मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं इनमें हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक बच्चे के लिए जब बच्चा खाना सीखता है, जब खाने की उसकी शुरुआत होती है, वो जब सॉलिड फूड खाना शुरू करता है, उस टाइम अगर आप उनको ऐसी हेल्दी चीज़ें खिलाएंगी, घर में बनी हुई शुद्ध चीज़ें, तो वो बच्चे के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से एक कंटेनर में, एयरटाइट कंटेनर में आप पाउडर को डाल के रख देंगे। 15 दिनों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 15 दिन से ज़्यादा भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ख़राब नहीं होगा। इसे बनाने की विधि बताने वाली हूँ। इसके लिए यहाँ पे हमने ये पाउडर ले लिया है, मैं इसे गुड़ से बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो शुगर से भी बना सकते हैं, बट अगर आप गुड़ से बनाएंगे तो वो और ज़्यादा हेल्दी होगा बच्चे के लिए। मिल्क लिया है और वाटर, और मैं इसे बनाने वाली हूँ घी से। कढ़ाई को हमने गर्म करने के लिए रखा है, आप चाहें तो नॉनस्टिक पैन का या नॉनस्टिक कढ़ाई का भी यूज़ कर सकती हैं। इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। पाउडर आप बच्चे को जितना आप खिलाना चाहती हैं उसका, उसकी डाइट के हिसाब से आप पाउडर ले सकती हैं। यहाँ मैं 3 टेबलस्पून पाउडर ले रही हूँ।
तो उसे 3 मिनट ही इसको भूनना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें भुनी हुई रखी है। इसमें अब थोड़ा सा पानी डालेंगे पहले। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। आप चाहे तो सिर्फ दूध से भी बना सकती हैं और सिर्फ पानी से भी बना सकते हैं। और बच्चे को जैसा आप खिलाना चाहती हैं, ज्यादा मीठा या कम, उस हिसाब से आप गुड़ डाल दीजिए। इसमें थोड़ा इलायची पाउडर भी डाल सकती हैं फ्लेवर के लिए। आपके बच्चे को जिस तरीके से पसंद है आप उस तरीके से बनाइए और अपने बेबी को खिलाइए। तो इसमें थोड़ा बॉईल आने देंगे और उसके बाद इसको बंद कर देंगे। ये बनके रेडी हो गया है। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि आप इसे गुड़ के साथ तो आप बना ही सकती हैं, आप इसको अगर नमकीन बनाना चाहें, आपके बच्चे को पसंद है, तो आप इसको नमकीन भी बना कर खिला सकती हैं। और एज की हम बात करें तो आप इसे 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चों को खिला सकती हैं। आप चाहें तो 3 साल के बाद भी अगर आप कंटिन्यू खिलाना चाहें तो इसे खिला सकती हैं। अगर आपका बच्चा प्ले स्कूल जा रहा है तो उसे आप ब्रेकफास्ट में खिला दीजिए, या शाम के टाइम में अगर बच्चे को भूख लगती है और आप कुछ उसे पौष्टिक खिलाना चाहती हैं, हेल्दी खिलाना चाहती हैं, तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आप ज़रूर बनाइए।